हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की सेकेंड बुक, जो की है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले जो फर्स्ट बुक थी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो आपकी कम्प्लीट हो चुकी है। तो आज जो आपकी सेकेंड बुक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बच्चे टोटल आपकी फोर यूनिट्स है, जिसमें से की जो आपकी फोर्थ यूनिट है इसमें हम ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है उसमें हम एम्पलीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो आएंगे उसमें हम फीडबैक वगैरह इन सब बातों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट फिफ्थ, जो कि है आपके ट्रांजिस्टर बायसिंग। बुक में इन्होंने एक मिस्टेक की हुई है बच्चा, कि आपको डायरेक्टली ट्रांजिस्टर पे पूछा रखा है। इससे पहले ना तो इस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, क्या क्या उनमें होता है, कैसे कैसे मिलकर के बने होते हैं। इसलिए ये मत कहना कि दी आप स्टार्टिंग करा रहे, तो बुक में है ही नहीं। पहले आपको थोड़ा सा मैं इसकी स्टार्टिंग बताऊंगी, ट्रांजिस्टर बनते कैसे हैं, क्या होता है ट्रांजिस्टर। उसके बाद में जो इसका मेन टॉपिक है ट्रांजिस्टर बायसिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे या फिर उससे पहले 11th 12th में, तब आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। दो होते हैं, एक तो आपके होते हैं कंडक्टर, क्या होते हैं कंडक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट होते हैं आपके इंसुलेटर, और थर्ड होते हैं आपके क्या सेमीकंडक्टर। कौन कौन से होते हैं कंडक्टर, यानी कि सुचालक, यानी कि वे जो धातु के क्या होते हैं सुचालक होते हैं, उनको तो कंडक्टर बोलते हैं। एक होते हैं जो कुचालक होते हैं, सॉरी धातु के बोले, वो धातु जो ऊष्मा की सुचालक होती है उनको तो क्या बोलते हैं कंडक्टर। जो ऊष्मा की कुचालक होती है यानी कि जिनमें करंट फ्लो कर जाता है कंडक्टर, जिनमें करंट फ्लो नहीं करता वो क्या होते हैं इंसुलेटर होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें करंट फ्लो नहीं करता लेकिन अगर उसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर दी जाए तो उस कंडीशन में उसमें करंट फ्लो करने लगता है, तो उनको क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये सब तो आपने पढ़ रखा होगा। जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर है उसमें बात है ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है बच्चे, ट्रांजिस्टर एक वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किससे मिलकर बना होता है, सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। सपोज दैट आपने दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर ले लिए, हमने ले लिया कि एन, हमने क्या ले लिया एक एन सेमीकंडक्टर ले लिया, एक और एन सेमीकंडक्टर ले लिया। दो सेम सेमीकंडक्टर के बीच में अगर आप कोई अन्य सेमीकंडक्टर को पुट कर देते हो, यानी कि दो तो हमने सेम ले ली एक एन और एक एन, इनके बीच में अगर आप पी रख देते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये जो सिस्टम बना एनपीएन ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा ट्रांजिस्टर। यानी कि किन्हीं भी दो सेमीकंडक्टर्स के बीच में अगर आप किसी थर्ड सेमीकंडक्टर को रख देते हो जो कि इन दोनों से अलग होता है, तो इस व्यवस्था को, सिस्टम को क्या कहते हैं हम, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर टू टाइप के होंगे, एक तो एनपीएन हो गया और दूसरा क्या होगा पीएनपी। पीएनपी क्या कि इसमें तो हमने क्या किया, सेम जो सेमीकंडक्टर रखे वो हमने दो रखे क्या एन और एन, और बीच में रख दिया पी। बट अगर हम पी और पी दो सेम सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो इसके बीच में अगर एन रख दोगे तो ये बन गया पीएनपी। तो टू टाइप के होंगे एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है। फिर तो ट्रांजिस्टर बायसिंग का मतलब क्या है कि मान लिया कोई भी एक सर्किट है, सर्किट में करंट फ्लो करता है भाई। एक बार ट्रांजिस्टर का वर्क क्या है, ट्रांजिस्टर का वर्क है किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज या करंट फ्लो कर रहा है उसको या तो वो रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। कौन, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का यूज किस लिए करते हैं, ताकि जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसको रेगुलेट या कंट्रोल कर सके, ठीक है। फिर बात आती है ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है बच्चा, कि मान लो कोई भी एक सिस्टम है तो उसके एनालॉग और डिजिटल ऑपरेशन को जो इजी बनाता है वो क्या होता है हमारा ट्रांजिस्टर होता है। अब इसकी हेल्प क्यों क्यों पड़ती है, जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है इसकी जरूरत कहां कहां पे पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में एक इसमें टॉपिक आएगा स्टेबलाइजेशन
कनेक्शन यानी कि स्टेबिलिटी क्या होती है ट्रांजिस्टर की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है स्टार्टिंग के वो आज कवर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर, और फिर आगे के लेक्चर्स में जो भी प्रोसेस होते रहेंगे इम्पोर्टेंट वो कवर करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आपकी जो सेकेंड बुक है बच्चा, पहले तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, दी एग्जाम से बुक कम्प्लीट हो पाएगी या नहीं आपको जब बोल दिया है, आपका सिलेबस टाइम से पहले कम्प्लीट हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम है मुझे पता है, जिनकी डेट शीट आ गई है, जिनके यहाँ पे नोटिस भी अवेलेबल है, मई से पहले बच्चे एग्जाम्स नहीं होंगे। आपकी जिन भी स्टूडेंट्स की ये वो आ रहे हैं ना कि डिमांड की थी 26 अप्रैल से हमारे एग्जाम स्टार्ट है, बच्चे वो डेट है कि 26 अप्रैल में आपकी क्या आ जाएगी, डेट शीट आ जाएगी, बट 26 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं है, एग्जाम्स आपके मई में स्टार्ट होंगे। और आपका एग्जाम होने से पहले पहले सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दिए जाएंगे, क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अभी 2-3 दिन की छुट्टी हो गई सो हो गई, अब छुट्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। हो सकता है बच्चा टाइम इधर उधर हो जाए कि जिस टाइम बता रखी उस टाइम ना मिलकर आपको थोड़ा लेट मिल जाए, थोड़ी जल्दी क्लास मिल जाए, बट डेली आपको क्लास मिलेंगे, वैसा नहीं जाएगा कि किसी दिन आपको क्लास ना मिले, ठीक है। तो टेंशन लेनी छोड़ दो, जितना करा दिया है, अगर एक आध दिन की छुट्टी से कभी हुई भी थी तो उसमें आपका काम बनता था कि आपको रिविजन करना है पीछे का, ठीक है। तो पिछला अपना रिविजन कर लिया करो, और जो साथ के साथ पढ़ाया जा रहा है उसके साथ के साथ आप प्रिपरेशन करके चलो, ताकि लास्ट टाइम पे बिल्कुल एंड मोमेंट पे आपको सिर्फ रिविजन करना पड़े, लर्न ना करना पड़े कुछ भी, ठीक है। तो अपनी तैयारी अभी से करके चलो, चाहे फिर आपके एग्जाम कभी भी हो जाए। तो इसके बाद में जो मैंने आपको भी समझाया उसको पहले थोड़ा डिटेल में लिखा देती हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। सो देखो इसको डिफाइन कैसे करोगे, सबसे पहले है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ट्रांजिस्टर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। This is made up of two type of semiconductors. ये किससे मिलकर के बना होता है, दो प्रकार के semiconductors से मिलकर बना होता है, semiconductors यानी कि अर्धचालक, ठीक है। When semiconductors is put in the middle of two same semiconductors, जब एक सेमीकंडक्टर को पुट किया जाता है यानी कि रखा जाता है इन द मिडल ऑफ, बीच में किसके, दो समान सेमीकंडक्टर्स, दो सेम सेमीकंडक्टर्स के बीच में जब किसी अन्य सेमीकंडक्टर को रखा जाता है, तो उस कंडीशन में देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। तो ये जो सिस्टम बनता है, जो व्यवस्था होती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इट इज यूज टू रेगुलेट और कंट्रोल करंट और वोल्टेज फ्लो इन एडिशन एम्पलीफाइंग। इसका कार्य क्या है, ये क्यों यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है किसी भी सिस्टम को एम्पलीफाइंग के रेस्पेक्ट में रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए, क्या, उसमें जो करंट और वोल्टेज फ्लो होता है उसको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग, जो कि आपकी यूनिट का नेम है। ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होती है, कि द प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, यानी कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे, देखो करंट है, करंट को आपको पता है किससे डिनोट करते हो, आई से। कलेक्टर करंट है तो इसको किससे डिनोट करोगे, आई सी से। अगर इमीटर करंट होता तो किससे डिनोट करते, आई ई से डिनोट करते, ठीक है। अभी इमीटर कलेक्टर क्या होते हैं ये आगे जब प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तब समझा दूंगी, टेंशन मत लो। तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जब किसमें प्रॉपर फ्लो किया जाता है, एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ सिग्नल इज नोन एज ट्रांजिस्टर बायसिंग। यानी कि मान ले कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का जो प्रॉपर फ्लो है उसका जो मेंटेनेंस होता है, किसका, प्रॉपर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज का उसके अंदर, तो उसको ही क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर बायसिंग कहा जाता है। ट्रांजिस्टर बायसिंग मेक्स एनालॉग एंड डिजिटल ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर पॉसिबल। ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या करती है, किसी भी सिस्टम के या फिर किसी भी ट्रांजिस्टर के जो भी एनालॉग और डिजिटल ऑपरेशन है उनको क्या बनाती है, वो संभव बनाती है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है नीड्स फॉर बायसिंग। बायसिंग की नीड किस किस के लिए होती है, तो 4 टाइप है। क्यों, फर्स्ट है द प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, यानी कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होता है उसके प्रॉपर फ्लो के लिए यूज करते हैं, किसका, ट्रांजिस्टर बायसिंग का। तो फर्स्ट नीड तो इसके लिए हो गई। सेकेंड है द प्रॉपर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, ये भी है कि क्या करता है, ये प्रॉपर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज को मेंटेन रखता है। भाई इसका तो क्या करता है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो है इसका
इसको तो प्रॉपर फ्लो के लिए जरूरत होती है। जो प्रॉपर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है इसके मेंटेनेंस की जरूरत होती है, कब? ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ सिग्नल में पैसेज के टाइम पर। तो सेकंड नीड क्या हो गई? फॉर प्रॉपर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। थर्ड हो गई फॉर प्रॉपर बेस इमीटर वोल्टेज। एंड लास्ट हो गई फॉर मेंटेनिंग ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स्ड, यानी कि जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग पॉइंट होता है उसके मेंटेनेंस के लिए। तो ये चार जरूरत है किसके लिए? जो ट्रांजिस्टर में बायसिंग की नीड पड़ती है। ये हो गए ट्रांजिस्टर बायसिंग। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें स्टेबलाइजेशन क्या है ट्रांजिस्टर के लिए। एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट आता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन क्या है? देखो पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझो जो लिखा है वो माने। तो ये भी क्या है? बायसिंग सर्किट है, ठीक है। बायसिंग अभी पता थे किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो ट्रांजिस्टर्स के एनालॉग और डिजिटल जो ऑपरेशन है उसको पॉसिबल बनाया जा सके, ठीक है। तो जो बायसिंग सर्किट होता है जब हम उसको डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उसमें अनडिजायरेबल रीजन होगा उसमें आपको ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जो मेंटेनेंस है किसका? ऑपरेटिंग पॉइंट के शिफ्टिंग का, उसको ही क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। अगर ऑपरेटिंग पॉइंट अपनी सही एग्जैक्ट पोजीशन पे फिक्स होगा तभी क्या आएगी सिस्टम में? स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हाइल डिजाइनिंग द बायसिंग सर्किट को डिजाइन करते टाइम केयर शुड बी टेकन, क्या ध्यान रखना चाहिए कि सो दैट द ऑपरेटिंग पॉइंट विल नॉट शिफ्ट इन टू अ अनडिजायरेबल रीजन, यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अनडिजायरेबल रीजन में शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल इज नोन एज स्टेबलाइजेशन, यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट है उसके मेंटेनेंस को ही क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट का जो स्टेबिलिटी है उसका जो स्टेबलाइजेशन है वो क्यों जरूरी है, यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एग्जैक्ट पोजिशन पर ही क्यों फिक्स किया जाना चाहिए ताकि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो। उसके क्या क्या रीजंस है? तीन रीजंस है। फर्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ आईसी। क्या है यहाँ पे? कलेक्टर करंट है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है? कलेक्टर करंट पे डिपेंड करेगा। सेकंड है इंडिविजुअल वाइब्रेशंस। एंड थर्ड है थर्मल रनवे। इनके बारे में डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनसे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि स्टेबलाइजेशन होता क्या है, इतना आप याद रखोगे सफिशियंट है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक बार पहले पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेबलाइजेशन, जो कि अपने आप में काफी लेंथी टॉपिक है, इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको जितना पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।